ये मेरा है, ये पूरा मेरा है, ये भी मेरा है, ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे साथ है, इसलिए इसका भी है। बहुत दिन बाद ट्रेन ट्रेवल करने को मिला, इसलिए मैंने पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया, पूरी बोगी मेरी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। ट्रेन जर्नीज मुझे हमेशा से पसंद हैं। ये तो पक्का से नहीं कह सकता कि ट्रेन जर्नी में विंडो से बाहर देखना ज़्यादा पसंद है या साइड लोअर सीट में सोना। और डिब्रूगढ़ से दीमापुर जाने के लिए जब मैंने ट्रेन ट्रेवल डिसाइड किया तो पूरा कोच ही बुक कर लिया। कैसे, आइए देखते हैं। डिब्रूगढ़ में एक दिन बिताने के बाद हमें जाना था दीमापुर। दीमापुर नागालैंड का वो टाउन है जो नागालैंड को कनेक्टिविटी के नज़रिए से बाकी देश से जोड़ता है। हमारे बेहद खूबसूरत होमस्टे से गिरीश जी ने हमें वापस पिक किया और ड्रॉप किया डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे। सुबह 10:30 बजे का वक्त था और स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था। और यही नहीं, पूरा रेलवे स्टेशन इतना साफ था कि दिल खुश हो गया। इतनी साफ सफाई हमारे यहाँ कम ही देखने को मिलती है। ये है हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन असम अवध एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, तो हम सीधे ही अपने प्लेटफॉर्म पे चले गए और हम करेंगे अब रेल यात्रा। चलो। अपनी 2-tier AC कोच की सीट पे सेटल होके हम इंतजार करने लगे ट्रेन के चलने का। दीदी बोली पुलिस वाली कि शूटिंग मत कीजिए। बोला क्यों? क्यों? क्या हुई? मैं ऑलमोस्ट 4 साल बाद ट्रेन में बैठा था और काफी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। ये और ये हमारा। तो पेंडेमिक से पहले ट्रेन की जर्नी होती थी, मुंबई दिल्ली अक्सर आना जाना लगा रहता था। फिर पेंडेमिक हुआ, जिंदगी बदल गई, ट्रेन ट्रेवल हो गया मुश्किल। तो शायद 4 साल बाद ये पहला ट्रेन ट्रेवल है मेरा। और जब ट्रेन चली तो हमें काफ़ी प्रिविलेज्ड फीलिंग आने लगी, क्योंकि पूरा कोच ऑलमोस्ट खाली था और ऐसा लग रहा था कि हमने पूरा कोच रिजर्व कर रखा है। देखा, पूरा ऑलमोस्ट पूरा बुक करा के घूम रहे हैं। खैर, इस एक्साइटमेंट के सेटल होने के बाद मैं भी अपनी सीट पर सेटल हो गया। ट्रेन के एसी कोच की ठंड और विंडो से अंदर आ रही धूप, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका अलग ही मज़ा है। और साथ में हेडफोन में अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा लो तो बस चेरी ऑन द केक। पूरा कोच काफ़ी साफ था और क्योंकि लोग नहीं थे तो शोर भी नहीं था। अच्छे से नींद आने के लिए और क्या चाहिए। विंडो से बाहर के नज़ारे भी कुछ कम नहीं थे। टी प्लांटेशंस, ट्रेडिशनल घर और बेहद खूबसूरत लैंडस्केप। ये एक परफेक्ट ट्रेन जर्नी थी, हमारी वो पूरे कोच में अकेले होने वाली प्रिविलेज्ड फीलिंग थोड़ी देर बाद खत्म हो गई जब आगे के स्टेशंस पे और लोग कोच में आ गए। ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा काम कर लिया, विंडो से बाहर देख लिया, गाने सुन लिए, सो लिया और चाय पी ली। अब वक्त था खाना खाने का। टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता इस ट्रेन में, आपको अलग से पे करके ये मंगाना पड़ता है, बनता ट्रेन में ही है। और ये है एग बिरयानी, वेज बिरयानी, एग बिरयानी और चिकन बिरयानी, तीन ऑप्शन। और ट्रेन का खाना कैसा होता है ये तो हमें पता ही है। खाना बस खाने लायक ही था और बस खा ही लिया। कैसा है? ठीक है। चल झूठा,
और अब मैं पूरी तरह आराम के मूड में आ गया था। तो अपनी साइड लोअर सीट पे ब्लैंकेट लेके बैठ गया और देखने लगा बाहर के गुजरते हुए नज़ारों को।